Jamiatul Muflihat and Pala Group of Schools towards success in dunya and akhira. Shifa Clinic, sugar ka mukammal ilaaj, dialysis se chutkara. Assalamu alaikum adab, main hoon Abdul Khader. Aaiye 30 July ki dekhte hain Speed News. यहूदी शरपसंदों का मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का सिलसिला जारी। इसराइली फौज और पुलिस की फुलप्रूफ सिक्योरिटी में एक बार फिर यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल। ताज़ा बमबारी में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में फलस्तीनी दर बदर भटकने पर मजबूर। इसराइली फौज ने बेघर फलस्तीनियों को फिर सेंट्रल इलाकों से निकल जाने का दिया हुक्म। गजा जंग के दरमियान हमास और इसराइल के एक दूसरे पर जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई में रुकावट डालने के इल्जाम। नई शरारत का हमास ने लगाया इल्जाम। इसराइल पर हमले करने की धमकी पर इसराइल ने तुर्क सदर एर्दवान को सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम भुगतने की दी धमकी। तुर्की ने भी कहा, नेतन्याहू याद रखे हिटलर का अंजाम। ईरानी सदर मसूद पजेशकियान ने इसराइल को किया खबरदार। हिजबुल्ला पर हमले की सूरत में इसराइल को दिया सख्त इंतबाह। कहा, चुकाना पड़ेगी भारी कीमत। पेरिस ओलंपिक्स में जब यूक्रेन जंग के लिए रशिया बैन है तो गजा में नस्ल कुशी के लिए इसराइल क्यों नहीं? पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का सवाल। ओलंपिक्स में इसराइल की शमूलियत पर पाबंदी का किया मुतालबा। फलस्तीनी अवाम की हिमायत। अलजजायर के जुड़ो खिलाड़ी मसूद रिजवान ने ओलंपिक्स में इसराइली खिलाड़ी के साथ मुकाबला करने से कर दिया इनकार। मुकाबले से हो गए दस्तबरदार। ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में योगा और डांस वर्कशॉप में नौजवान लड़कियों पर चाकू से हमले की वारदात। दो हलाख, दर्जनों जख्मी। ब्रिटिश पीएम ने वाकई को करार दिया खौफनाक। सऊदी अरब में अब बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2000 रियाल का देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। सऊदी हुकाम ने मोटरसाइकिल सवारों को किया खबरदार। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के मुजरिम को होगी उम्र कैद की सजा। योगी हुकूमत का यूपी असेंबली में बिल। बिल में जराइम में सजाओं को दुगना करने की भी तजवीज़। केरला के वायनाड में कुदरती आफत की बड़ी तबाही। 70 से ज्यादा लोगों की मौत। लैंडस्लाइडिंग से एक गांव पूरा का पूरा हुआ तबाह। भयानक मनाज़िर। वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से हुई भारी तबाही पर राहुल गांधी का अफसोस व गम का इजहार। लोकसभा में इस पर बात करते हुए हुकूमत से हर मुमकिन तआवुन की अपील। कांग्रेस MP राहुल गांधी ने लोकसभा में किया A1 और A2 का तस्करा। कांग्रेस ने A1 अडानी और A2 अंबानी को बताया मोदी की आंखों के तारे। MP असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर तनखीद। दावा किया, हज कमेटी बन चुकी है बदउनवानी का मरकज। CBI इंक्वायरी का किया मुतालबा। इमरान प्रतापगढ़ी की मोदी सरकार के बजट पर तनखीद। कहा, जिस देश में टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा उस देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पास महंगाई पर बोलने सिर्फ 10 लफ्ज। समाजवादी पार्टी की MP जया बच्चन खुद को अपने शोहर अमिताभ बच्चन के नाम के साथ पुकारे जाने पर बरहम। राज्यसभा चेयरमैन से कहा, उन्हें सिर्फ कहा जाए जया बच्चन। उत्तर प्रदेश में CM योगी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के अख्तलाफात पर राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा, यह सारा संघ परिवार का खेल, दोनों डिप्टी CM पर होगी कार्रवाई। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 उम्मीदवारों की मौत पर सियासी घमासान। संजय सिंह ने हादसे के लिए BJP और दिल्ली LG को ठहराया जिम्मेदार। इसे बताया दोनों की मिलीभगत। मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं रेल हादसात। अब झारखंड में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, 20 जख्मी। तेलंगाना की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले गढ़वाल BRS MLA कृष्णा मोहन रेड्डी की घर वापसी, KTRC की मुलाकात। असेंबली से गैर हाजिर KCR को अपोजिशन कायद के ओहदे की क्या है जरूरत? कांग्रेस MLA राज गोपाल रेड्डी का असेंबली में सवाल। बल्कि शोबे की तबाही के लिए KCR को ठहराया जिम्मेदार। तेलंगाना हुकूमत की वेबसाइट्स में डिजिटल तब्दीलियां। KTR का ट्वीट, दावा किया KCR दौरे हुकूमत की अहम मालूमात और तफसीलात को किया जा रहा हज़्फ। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की जगह बरकी तहकीकती कमीशन में नए सदर का जल्द तकरर।
सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान, बिजली की बदनवानियों की तहकीकात जारी रखने का फैसला। कुतुब शाही दौर की यादगार इमारत चार मीनार की रिस्टोरेशन का काम तेजी से जारी। इसी दरमियान एक वीडियो हुई वायरल, तारीखी चार मीनार की घड़ी को जुज़्वी नुकसान, मरम्मत का काम जारी। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मामूली कमी, 24 कैरेट सोना 70,700 रुपये जबकि प्योर चांदी 835 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hafs, Diniyat and Alimiyat. Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child seat and avoid last minute rush as the seats are limited. Shifa Clinic Daure Hazir ke mukhtalif amraaz ke mukammal ilaaj ki zamanat. Sugar chahe kitni hi purani kyun na ho, sugar ka ilaaj mumkin hai. आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए, शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटीड ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।